हेलो एवरीबॉडी आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कवर करेंगे जो कि इन्वामेंट को प्रोटेक्ट करते हैं इनिशियली अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं था एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं था जो कि डायरेक्टली अनवामेंट प्रोटेक्शन को कवर कर रहा हो पर प्रियम्बल को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इनडायरेक्टली अप्लाई किया जाता था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए समय के साथ साथ स्टेट को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि इन्वामेंट को प्रोटेक्ट करना आवश्यक है तब इन्वायमेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया और एन्वामेंटल ऑब्लिगेशंस को फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जोड़ा गया अगर हम आज के समय की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो यही बताते हैं कि एन्वामेंट को मेंटेन किया जाना चाहिए प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और हर एक सिटीज़न को अधिकार है कि उसे हेल्दी इन्वामेंट मिले प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स वाला जो सेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफ़िक प्रोविजन्स दिए गए हैं रिसेंटली जो जुडिशल एक्टिविज़म देखा गया है उसने काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट करा है कि जो राइट right है हेल्दी और क्लीन एनवायरमेंट की उसे बेसिक राइट right बनाया जाए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल एक्टिविज्म को हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी संविधान में जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट आया उसके पीछे काफ़ी सारे कारण रहे हैं लोगों में एनवायरमेंटल इश्यूज के प्रति जागरूकता आई 1970 में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल मूवमेंट की गई और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की वजह से ये अमेंडमेंट आ सका स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस को भी हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट प्रोविजंस ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में इस अमेंडमेंट के द्वारा कहने का मतलब ये है कि पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरमेंट के बारे में बात करता था पर बात इनडायरेक्टली हो रही थी यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल ड्यूटीज को इनडायरेक्टली लगाया जा रहा था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पर इस अमेंडमेंट के बाद डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल फोर्टी एट ए को एड किया गया प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के बारे में आर्टिकल फोर्टी एट ए आर्टिकल 48 एट ए बताता है कि स्टेट को अपना पूरा प्रयास करना चाहिए देश के फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ को सेफ करने के लिए और साथ ही साथ एनवायरमेंट को मेंटेन और प्रमोट करना चाहिए शेर सिंह वर्सेज हिमाचल प्रदेश के केस में इस बात को बताया गया था कि देश में रह रहे हर व्यक्ति का बेसिक अधिकार है हेल्दी क्लीन और डिसेंट एनवायरमेंट आर्टिकल 47 बताता है कि ये स्टेट की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों के लिए न्यूट्रिशन को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और पब्लिक हेल्थ को बेटर बनाए पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे थ्रू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी बताता है कि हर एक नागरिक की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिजर्व करे और एनहेंस करे नेचुरल एनवायरमेंट को जिसमें इंक्लूडेड है फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स और एनिमल्स साथ ही साथ इसमें यह बात भी बताई गई है कि हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके मन में हर लिविंग थिंग के लिए दया भाव हो एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ स्टेट की और दूसरी ओर हर एक व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवामेंट को प्रिजर्व करे और इम्प्रूव करे जहाँ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आर्टिकल 48 ए में बताया गया है वहीं व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी में बताया गया है अब हम कवर करते हैं फंडामेंटल राइट्स को राइट टू क्लीन एनवायरमेंट डायरेक्टली नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में पर हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि आर्टिकल 14, 19, 21 और 32 राइट टू क्लीन एनवायरमेंट को इनडायरेक्टली कवर करते हैं अब यहाँ सवाल आता है कि जब राइट टू क्लीन एनवायरमेंट कहीं लिखा नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये जो प्रोविजन्स बताए गए हैं ये कैसे कवर करते हैं राइट टू क्लीन एनवायरमेंट को अब देखिए आर्टिकल 14 कवर करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ को तो यहाँ इनडायरेक्टली आर्टिकल 14 इम्पोज करता है एक ऑब्लिगेशन को स्टेट के ऊपर कि स्टेट अपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स को फेयरनेस के साथ में एक्सरसाइज करे आर्टिकल 19 वन को भी इंटरप्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इससे जोड़ा गया है थ्रेट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन को पी ए जेकब केस में कि जो यूसेज है लाउड स्पीकर का और साउंड एम्पलीफायर्स का इसे प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन आर्टिकल नाइनटीन वन जी हर एक सिटीज़न को ये अधिकार प्रोवाइड करता है कि वे किसी भी प्रोफेशन में ट्रेड में या बिजनेस में इंगेज हो सकते हैं पर यह जो बेसिक राइट right है इसके कुछ रीजनेबल लिमिटेशंस हैं सिटीजन्स चाहे तो कोई सा भी प्रोफेशन ट्रेड या बिज़नेस कर सकते हैं पर ऐसा प्रोफेशन बिजनेस या ट्रेड नहीं कर सकते जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 को भी एग्जामिन किया गया है जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कवर करता है कोर्ट ने इस बात पर बार बार जोर दिया है कि यही आर्टिकल डिजीज और इन्फेक्शन फ्री एनवायरमेंट को भी गारंटी करता है 1988 के देहरादून केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर किया था कि राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट एक नेचुरल आउटकम है आर्टिकल 21 का इस केस में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि क्वेरिंग को बंद कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार बर्स द स्टेट ऑफ बिहार के केस में बताया था कि आर्टिकल 21 जिसे हम जोड़ सकते हैं राइट टू तो क्लीन वाटर एंड एयर के साथ वो क्वालिफाई करता है एज अ फंडामेंटल राइट काफ़ी सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और इकोलॉजिकल के के इम्बेलेंस केस को लाया गया था अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 एक वेल नोन फंडामेंटल राइट है जो कि कवर करती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को अलाउ करती है कि कोई भी पार्टी रिट पिटिशन फाइल कर सकती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए या फिर पीआईएल फाइल कर सकती है किसी ऐसे एक्ट को चैलेंज करने के लिए जो कि एनवायरमेंट को हार्म या डेंजर कॉज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास में यहाँ पर पूरी अथॉरिटी है कि वो ऐसा कोई ऑर्डर या फिर रूल इशू करे जिससे एनवायरमेंट को हार्म करने वाले एक्ट्स को रोका जा सके आर्टिकल 253 बताता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं पूरे कंट्री के लिए या फिर किसी भी पार्ट के लिए किसी दूसरे देश से ट्रीटी अग्रीमेंट या फिर कन्वेंशन को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ में कोई ट्रीटी करता है तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास में पावर है कि उस ट्रीटी को मद्देनजर रखते हुए वो हमारे देश में भी कोई लॉ बना सकती है तो जैसा कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में बताया गया था उन बातों को ध्यान में रखते हुए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 एटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किस तरह से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं